जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप धोरण चार पुष्प पंदर भारतीय नारी में जो अधूरी कथा बाकी है जोईशू। तो जो पाना नंबर 52 पर नारी माटे गृह क्षेत्र तो है, एम रही पतिव्रत धर्म रक्षण मेटे नारीओए घना कष्ट उठाया है। पोता जात वेची पति ऋण चूकवीने सेव्या एकली पड़ी गई, छता पोता कौशल्या पति ने पुनः प्राप्त करने दमयंती पति ने यमुना पास थी छोड़वनारी सावित्री, पति अपमान खातर यज्ञ में शरीर होमी देनारी सती, पति द्वारा त्याग कराया छता पति हित वाँचती जगतजननी सीता, भारत ने आ देवीओना चरित्रों आज थी पथ भूलेली नारीओ माटे सदाय दीप स्तंभ बनी रहे छे। शू कहे भारतीय नारीओनु केटलू सन्मान छे, केटलू संस्कार गणाव्या छे कि नारी माटे गृह क्षेत्र तो कि घरनु काम तो जरूरी छे, पण तेना साथे प्रतिवत धर्मोनु पण रक्षण करवानु जरूर छे। आ माटे आपणे केटलाक उदाहरण आप्या छे कि पतिना खातर पोतानु शरीर यज्ञमां होमी देनारी सीता पार्वती जे यमने पोताना पति पासे छोड़ावी लावी छे, एवा घणी नारीओना आपणे उदाहरण पण आपवामां आव्या छे। भारतीय नारी शील अने सदाचारनी मूर्तिओ छे। संयम अने लज्जा ए नारीनुं भूषण छे। भारतीय नारीओ पोताना हाथ केवल तेना पति छे पतिने सौंपे छे, ते कदापि अन्य पुरुष ने पोताना हाथ सौंपती नथी। शू के भारतीय नारी शील अने सदाचारनी मूर्ति छे। संयम अने लज्जानुं नारीनुं भूषण छे। भारतीय नारी पोताना हाथ पोताना पुरुष ने सौंपे छे। देवी पार्वतीनी एक कथा छे। एक वार पार्वतीजी आश्रम में तपस्या करता था, त्यां एमनी कसोटी करवा शिवजी ब्राह्मण वेशे पधार्या। ते आश्रम जोता जोता पाणीना कुंडमां पड़ी गया। शू के पार्वतीनी एक कथा छे। एक वार पार्वतीजी आश्रम में तपस्या करता था, तेमनी कसोटी करवा माटे शिवजी ब्राह्मण रूपे आव्या अने आश्रम में जोता जोता पाणीना कुंडमां पड़ी गया। ए बूमो पाड़वा माँड्या, दौड़ो दौड़ो मने बहार काढ़ो। पार्वती पोतानी सखीओ साथे दौड़ी आव्या अने डाबो हाथ लंबाव्यो। ब्राह्मणना वेशमां रहेला शिवजी कहे, नहीं, डाबो हाथ स्वभावथी अपवित्र नहीं, हूँ ये कदापि नहीं पकड़ू। त्यारे पार्वती माताए शू कर्युं कि डाबो हाथ लंबाव्यो। त्यारे ब्रह्म रूप में आवेला शिवजीए कह्युं के हूँ डाबो हाथ नहीं स्वीकारूँ, ए डाबो हाथ कदापि हूँ स्वीकारू नहीं, पवित्र ना कहवाय। जमणो हाथ मैं तो महादेवजी ने समर्पित करवानो क्यानो संकल्प करी राख्यो छे। मारो जमणो हाथ पूर्वजन्मना पति शिवजी ज ग्रहण करशे। त्यारे पार्वती शू कहे छे, मारो जमणो हाथ तो मैं क्यानो महादेवजी ने अर्पण करी नाख्यो छे, मारो जमणो हाथ तो शिवजी ज पकड़शे, हूँ एमने मेळवा माटे तप करी रही छूं। पार्वतीजीए पोताना प्रतिज्ञा रजू करी, सारूँ तमे तमारी प्रतिज्ञा चालू राखो। पछी पार्वतीजी शू कीधुं, पोतानी प्रतिज्ञा चालू राखी, मने आ खाड़ामां मरवा दो। आ केवी तपस्या के एक ब्राह्मण ने आ दशामां तरछोड़ी रहे। शिवजी शू के कहे, तमे तमारी तपस्या चालू राखो, मने आ दशामां तरछोड़ी मूको, एम कहे छे। देवीए पार्वतीए अपार धर्मोनो विचार करीने ब्राह्मणनी प्राण रक्षा करवा तेमने जमणा हाथथी खेंचीने बहार काढ्यो। तरत ज छद्मवेश धारी शिवजी प्रगट थे। पछी पार्वती माताए बहु घणो विचार कर्यो, पछी दया करीने जमणा हाथथी एमने काढ्यो, एटलामां शिवजी प्रगट थया। हसता हसता देवीने पकड़ी लीधा। आ छे तपोमय जीवन अने नारीनी पाणी पवित्रता रूपी भारतीय संस्कृति। आ छे आपणी भारतीय संस्कृति। આમ પર પુરુષને જમણા હાથથી સ્પર્શ કરવો તેને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અધર્મ માનવામાં આવે છે। જમણા હાથથી બીજા પુરુષને સ્પર્શ કરવો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કેવું ગણવામાં આવે, અધર્મ। આજે પણ ભારતની સાચી સત્રાઈઓ કોઈ પુરુષને હાથ મિલાવવાના બદલે હાથ જોડે છે। આપણે કોઈ મળ્યું તો આપણે હાથ ન મિલાય પણ હાથ જોડીએ છીએ। નારી સેવાને પોતાનો અધિકાર માને છે, માટે એ દેવી છે, ત્યાગની મૂર્તિ હોવાથી સમાંગની છે। નારી કેવી છે, દેવી છે, સમાંગની છે, વિશ્વ તેના વાત્સલ્યના પાલવમાં સ્થાન મેળવી શકે છે, માટે જે જગમાતા છે। નારીને જગમાતા પણ કહેવામાં આવે છે। તે ક્યારે પોતાનો અધિકાર મેળવવા કે ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા આંદોલન કરતી નથી। સ્ત્રી કોઈ દિવસ પોતાનો અધિકાર માંગતી નથી। આજે સમાજમાં નારીનું સ્થાન વાસનાની પરિપૂર્તિ માટેનું છે કે પૂજનીય સ્વર્ગદીપ ગરીસ્ય માતા સ્વર્ગથી ઉત્તમ માતાના રૂપમાં છે। આજે આપણા સમાજમાં નારીનું સ્થાન કેવું છે, માતાના સ્વરૂપમાં છે। આજે ભારતવર્ષ દરિદ્ર બનતો જાય છે, એટલા માટે નહીં કે એની પાસે ધન અને ધન્યની ખોટ છે, પરંતુ પવિત્ર પત્નીત્વ અને માતૃત્વ દુર્લભ બનતું જાય છે। આજે ભારત દેશ દરિદ્ર બનતું જાય, કેમ, સંસ્કારોનો અભાવ છે, પતિવ્રતના પત્નીનો અભાવ છે, એટલા માટે આજે માતૃત્વ પણ દુર્લભ બનતું જાય છે। તો આજની ભારતીય નારીની આ કથા અહીં પૂર્ણ થાય છે। વિકલ્પ આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોઈશું। જય સ્વામિનારાયણ।